हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी भर्ती की सूचना देने के लिए या धरने की सूचना देने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, जेईई 2018 की परीक्षा 16 अप्रैल को होनी है, इसलिए जूनियर असिस्टेंट 2019 के जिन अभ्यर्थियों का डीबी 16 अप्रैल को होना था, अब ये 16 अप्रैल को नहीं होगा, 2 मई को कराया जाएगा। देखिए, 2 मई 2022 को आयोजित किया जाएगा, तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको देखिए, केस डिटेल, आईटीआई अनुदेशक 2015-2016 भर्ती को लेकर अपडेट है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती को इंटरव्यू के आधार पर ही पूरा किया जाएगा। 1 महीने के अंदर इससे संबंधित नोटिस देखने को मिल सकती है, तो 1 महीने के अंदर नोटिस देखने को मिलेगी। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में फर्जी प्रमाण पत्र प्रयोग किए जाने के संबंध में तो सूचना जारी की गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सीधी भर्ती 2020, तो इसको पूरा आप देख लीजिएगा। 26,210 पदों के लिए भर्ती जून में, अक्टूबर में लिखित परीक्षा और दिसंबर में दौड़ करवाने की तैयारी। तो आप सभी अभ्यर्थी तैयारी करते रहें, इतने पदों के लिए आप देख सकते हैं। सिविल पुलिस में 26,210 सिपाहियों और 172 फायरमैन की भर्ती के लिए जून में विज्ञापन आएगा, तो इसके लिए जून में विज्ञापन जारी किया जाएगा। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में दौड़ की तैयारी। एसआई, प्लाटून कमांडर, एफएसएसओ के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कराने की तैयारी है। तो यूपीएसआई का रिजल्ट आज जारी हो सकता है, यदि किसी कारणवश आज जारी नहीं हो पाता है तो 15 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। तो ज्यादातर उम्मीद है कि रिजल्ट आज ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह से दौड़ भी शुरू होनी है, तो जल्द इसका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। यदि किसी कारणवश आज जारी नहीं भी हो पाता है तो 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, यूपी एएसआई के लिए डीबी पीएसटी 19 अप्रैल से शुरू होगी, तो आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 2022 से जोन स्तर के जनपदों की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित किए जाने के संबंध में, तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।